जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है, सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 9-10 लोग हैं जिनको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के उपरांत अगतर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के बिंदुओं पर कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ शराब माफियाओं का नाम सामने आया है जिनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है, सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं अब और उन्हें निर्देशित किया गया है नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल से। कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई। अभी